आज बैठक करने वाली है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में कई नेताओं के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बैठक करेगी। बैठक में पार्टी घोषणा पत्र पर चर्चा कर सकती है, आगामी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो पर चर्चा संभव है। किन किन मुद्दों पर काम किया जाएगा, किन किन मुद्दों के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार करेगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे। माना यह जा रहा है कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्षता खासतौर पर करेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी जो है बड़े दिनों से बैठ रही है, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं, हम भी उसमें बैठते हैं, उसमें बात होती है, हर इशू पे बात होती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो आएगा वो लोगों की, वो जैसे है ना, लोगों के दिल उसमें क्या है वो लिखा होगा, लोग क्या चाहते हैं वो लिखा होगा। लोगों की तवक्कोआत बड़ी है नेशनल गवर्नमेंट से। आप देखिए, ये पहली दफा मैंने देखा कि हमने लोगों के ओपिनियन मांगे थे भाई हम मैनिफेस्टो में क्या क्या करें, और कम से कम 10,000 लोगों ने उस पर दिया, अपने व्हाट्सएप पे अपने व्यूज दिए। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोग जो चाहेंगे वही होगा। हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अलायंस करना या नहीं करना, ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी कि इसको क्या करना है, फिर उसके आगे अगर कुछ